एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सीईओ अपना एक अलग शहर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। एलन मस्क इस शहर को बसाने के लिए टेक्सास में हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। अभी करीब 3500 एकड़ जमीन खरीदी भी जा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इस शहर को मस्क अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए बसाने की तैयारी में है। यहाँ उन्हीं की कंपनी के स्टाफ रहेंगे और काम भी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने इस शहर का नाम भी फाइनल कर लिया है। वो इसे स्नेलब्रुक नाम देना चाहते हैं। बात अगर इस शहर के लोकेशन की करें तो ये मस्क की कंपनी बोरिंग और स्पेसएक्स के निर्माणाधीन प्लांट के पास ही है। फिलहाल मस्क की योजना इस शहर में 100 मकान बनाने की है। इस शहर में तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। एलन मस्क को टेक्सास काफी पसंद है। उन्होंने वर्ष 2020 में घोषणा की थी कि वो टेस्ला के हेडक्वार्टर्स और अपने घर को कैलिफोर्निया से टेक्सास में जल्द शिफ्ट करेंगे। उन्होंने 2022 में टेस्ला की एक फैक्ट्री ऑस्टिन में शुरू की। यही नहीं, स्पेसएक्स और बोरिंग कंपनी के लिए टेक्सास में यूनिट शुरू किया। अब टेक्सास के पास ही अपने कर्मचारियों के लिए एक शहर भी बसाना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस शहर में अपने स्टाफ को कम दाम पर घर देने के लिए मस्क ने प्लान भी तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत मस्क 1 BHK और 2 BHK फ्लैट करीब 65,000 रुपए प्रति माह की कीमत में देने की सोच रहे हैं। हालांकि सस्ते घर के लिए कर्मचारियों को कुछ नियम का पालन भी करना होगा। अगर कंपनी का स्टाफ नौकरी छोड़ता है या फिर उसे जॉब से निकाला जाता है तो उक्त कर्मचारी को 30 दिन के अंदर घर खाली करना होगा।